सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। हाय, मैं हूँ चूचू। आज मैं और मेरे दोस्तों ने हम सबके मम्मी और डैडी को एक पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया है। हम उन सबको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज देंगे, पर सबसे जरूरी बात, हम सबके साथ अच्छे से और तमीज से पेश आएंगे। गुड मैनर्स होना सबसे जरूरी चीज है ना? तो आइए और हमारी पार्टी में शामिल होइए। लो ये आ गए चिप्स, नर्म और यमी सैंडविचेस। लो सलाद भी आ गया। और ये रहा सोडा सारे मम्मीज और डैडीज के लिए। सब कुछ कितना अच्छा है। मम्मीज और डैडीज की ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। ये कसली कहाँ रह गया? हाँ, उसे तो हमारी मदद करनी थी। तुमने मेरा नाम लिया और मैं आ गया, यहाँ का सबसे प्यारा बच्चा कसली। तुम देर से आए कसली, हम सारे काम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हे, एक काम बाकी है, मैं यहाँ आया हूँ सबसे जरूरी काम करने। मैं सारी चीजों को चेक कर देखूंगा कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए ठीक है या नहीं। कसली, प्लीज मुंह खोलकर खाना बंद करो, बुरी बात है। और चबाते समय वैसी आवाजें भी मत निकालो कसली। ये चिप्स बहुत अच्छे हैं। कसली कितना गंदा है। हाँ, जब मुंह में खाना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। हे, तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? मुझे ऐसे खाने में मजा आता है। पर तुम्हारे आसपास के लोगों को ये देखकर अच्छा नहीं लगता? हाँ, बहुत गंदा लगता है। गंदा लगता है तो लगता रहे। यम्मी, जानते हो सोडा में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? ये डकार। असली, ये सच में बहुत बुरे मैनर्स हैं। पर इसमें आता है मजा। छी, बुरे मैनर्स में कैसा मजा कसली? देखो, खाते समय तुमने कितनी गंदगी मचाई है कसली। ये बहुत बुरी आदत है। तुम्हारे चेहरे पर हर तरफ खाना लगा है, बहुत गंदे लग रहे हो। हाँ, मैं तो उसके साथ बैठूं भी नहीं जिसे टेबल मैनर्स का पता ही ना हो। ठीक है, मत बैठना, तुम्हारी मर्जी। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, ये देखने कि हमारे मम्मीज और डैडीज आए हैं या नहीं। कसली की आदत कितनी गंदी है। अगर पार्टी के समय उसने ऐसा बर्ताव किया तो सारे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अच्छा होगा हम ये पार्टी ही ना करें। क्या हुआ बच्चों, सब लोग इतना उदास क्यों लग रहे हैं? मैंने तो सोचा था तुम लोग बहुत खुश हो गए अपनी मामीज और डैडीज की पार्टी को लेकर। मामी, हम पार्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर अब नहीं है। हम ये पार्टी नहीं करना चाहते। क्यों, क्या हो गया बच्चों, बताओ मुझे, हो सकता है मैं सब ठीक कर दूं? मामी, कसली बहुत गंदे काम कर रहा है। वो मुंह खोल कर खा रहा है, डकार ले रहा है और गंदगी फैला रहा है। मना करने पर मान भी नहीं रहा है क्योंकि उसको इसमें मजा आता है। हाँ मिसेस चार्ली, कसली के गंदे टेबल मैनर्स से सारे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अब हम इस पार्टी को नहीं करना चाहते। सुनने में ये बात तो बहुत बुरी लगती है, पर एक बात बताऊं बच्चों, तुम लोग उसके अच्छे दोस्त हो और अगर तुम सब उसका भला करना चाहते हो तो तुम्हें उसके टेबल मैनर्स को सुधारने में उसकी मदद करनी चाहिए। पर कैसे मामी, वो हमारा ही मजाक उड़ाता है। तो उसके लिए एक आइडिया है, लोगों को ना बुलाने और पार्टी ना करने के बजाय
तुम्हें कसली से कहना चाहिए कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो उसे पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। कमाल का आइडिया है ये। कसली, हमें बात करनी है तुमसे। अगर ये मेरे मैनर्स की बात है तो मुझे नहीं सुनना। तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगा। नहीं, तुम्हें हर हाल में बदलना ही पड़ेगा। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा मॉमीज और डैडीज पार्टी में। क्या? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे बुरे मैनर्स सबका मजा खराब कर देंगे पार्टी में, इसीलिए हम तुम्हें पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। मेरी मम्मी ने भी यही कहा है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? अच्छा सुनो दोस्तों, मुझे पार्टी में शामिल होना ही है। मैं वादा करता हूँ मैं तमीज से पेश आऊंगा। माफ कर दो, मैं पहले जैसी कोई हरकत नहीं करूंगा। प्लीज 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 मुझे पार्टी में शामिल कर लो, मैं सारी बुरी आदत छोड़ दूंगा। वादा करते हो? वादा करता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे कसली, पर अगर तुमने फिर कोई बुरी हरकत की तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे। तुम जानते हो पार्टी में सबसे तमीज वाला बच्चा कौन बनने वाला है? सबसे प्यारा बच्चा मैं। प्लीज कुछ लीजिए मिसेस विलियम्स। क्या मैं ये आपको दूं मिस्टर चार्ली? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कसली। हाँ, तुम्हारे टेबल मैनर्स भी लाजवाब हैं। आपका शुक्रिया मिसेस विलियम्स और मिस्टर चार्ली। असल में मेरा तो जवाब ही नहीं है। अपनी तारीफ सुन सुन कर मैं तो बोर ही हो जाता हूँ। अभी देखना कितना मजा आएगा। तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए कसली? क्या तुम नहीं जानते कि जम्हाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखना चाहिए? स्कूल में एक और शानदार दिन बिताने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। कल जब हम घर गए तो क्या हम अपने क्लासरूम को इतना ज्यादा गंदा छोड़ गए थे? छी, कितनी गंदगी है। हाँ, ये तो गलत है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस आरती। अभी अभी तुमने क्या कहा चीकू? किसके लिए क्या करना चाहिए? मिस डोरेथी, आज सुबह हम जैसे ही क्लासरूम में पहुँचे, चूचू ने यहाँ पहले गंदगी की ओर इशारा किया। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अपना क्लासरूम कभी इस तरह से गंदा छोड़ कर ना जाना पड़े। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भरा काम होगा। चलो देखते हैं मेरे पास इसका क्या समाधान है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। हम बना सकते हैं किसी को सफाई अफसर। सफाई अफसर? हाँ, हम में से ही किसी को। उसका काम होगा सबको याद दिलाना कि हमें अपना क्लासरूम साफ सुथरा रखना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस डोरेथी, लेकिन वो सफाई अफसर बनेगा कौन? तुम चूचू। मैं? हाँ,
क्योंकि जब गंदगी होती है तो उस पर सबसे पहले तुम्हारी नजर पड़ती है और तुम हर चीज ठीक से करती हो और तुम काम करवाने में भी बहुत माहिर हो और तुम मुझसे भी अच्छी सफाई ऑफिसर साबित होगी। हालांकि मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार हूँ। ओ कसली। तो क्या कहती हो चूचू? तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि तुम एक अच्छी सफाई अफसर साबित होगी। शुक्रिया दोस्तों। जी मिस डॉरथी, मैं सफाई अफसर बनने के लिए तैयार हूँ। यिप्पी! शुक्रिया आप सबका। तो ठीक है, चलो अपना आर्ट क्लास शुरू करते हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? बिल्कुल मिस डॉरथी। बहुत अच्छे, सबका अच्छा है। जब पूरा हो जाए तो अपने आर्ट को बोर्ड पर लगाना है और फिर उसके बाद अपना अपना नाश्ता करना है। ओफो, कितनी गंदगी है। सफाई अफसर तो मैं ही हूँ, मैं गंदगी को अनदेखा नहीं कर सकती। तुमने जो सैंडविच खिलाया था ना चाचा, वो बहुत ही अच्छा था। अरे इसमें क्या है चीकू, अपना नाश्ता शेयर करने के लिए शुक्रिया। ओ चूचू, तुम यहाँ हो? तुम नाश्ते के लिए बाहर क्यों नहीं आई? तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ भूख लगी है। वाह देखो तो वो टेबल कितना चमक रहा है। वाह बहुत अच्छे ऑफिसर चूचू, मुझे पता है मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूँ, फिर भी मुझसे इतना बेहतरीन काम नहीं हो पाता। और आज का लेसन खत्म होता है बच्चों, अब वक्त है आपके ड्रामा प्रैक्टिस का। हाँ। ओ, मुझे पसंद है ड्रामा प्रैक्टिस। ये सुनो, क्या हम सफाई कर लें पहले? ये क्लासरूम कितना गंदा है। अभी ये काम रहने दो ना ऑफिसर चूचू, हम बाद में कर लेंगे। हाँ फिलहाल तो हमें ड्रामा प्रैक्टिस करनी है और तय करना है किसे कौन सा रोल करना है। चलो चलें। क्योंकि मैं यहाँ सफाई अफसर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग अपनी गंदगी खुद साफ ना करें। इस क्लासरूम को साफ रखना हर एक की जिम्मेदारी है। आइडिया, समझ गए क्या करना है। समय आ गया है दोस्तों के ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने का। गुड मॉर्निंग जासूस शीकू, मैं अपनी टीम के साथ आ गया। ये है कप्तान चीका और ये है थानेदार कासली। दरोगा चाचा, तुम ये तो बताना भूल ही गए कि मैं सबसे होशियार थानेदार हूँ। गुड मॉर्निंग दरोगा चाचा, कप्तान चीका और सबसे होशियार थानेदार कसली, तैयार हो जाओ, हमें काम करने जाना है। बिल्कुल ठीक, तुम्हें काम करने जाना है। चूचू,
कहाँ थी? तुम्हें ड्रामा प्रैक्टिस के लिए देर हो गई। हमने इंतजार किया पर हमने अपने रोल चुन लिए हैं और तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है। रुक जाओ चूचू, तुम पेड़ बन सकती हो। तुम यहाँ ठीक हमारे बराबर में खड़ी हो जाना जब हम अपना रोल करेंगे। इस ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर उससे पहले आप सबको कुछ करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ? ये क्या है? मेरे हाथ रंग से भर गए। मेरे भी। उप्स, कितनी गंदगी है। पर मैंने तो आज क्लास में ये वाला पैलेट इस्तेमाल नहीं किया था। लगता है मैं समझ गई चूचू क्या कहना चाहती है। हमने ये चीजें इस्तेमाल की और फिर इन्हें वहीं पर छोड़ दिया। ओह, फिर हम भाग गए नाश्ता करने के लिए बिना इस गंदगी को साफ किए। और साफ करने के लिए सफाई ऑफिसर को अकेला छोड़ दिया। ये हमने अच्छा नहीं किया। हाँ, हमने गलत किया। और चूचू समय पर नाश्ता नहीं कर पाई और ना ही ड्रामा प्रैक्टिस कर पाई जो उसे बहुत पसंद है। क्योंकि हमने सारी सफाई उस पर छोड़ दी। हमें माफ कर दो चूचू। तुम एक बेहतरीन सफाई अफसर हो चूचू, क्योंकि तुम्ही ने हमें समझाया कि क्लासरूम को साफ सुथरा रखना हर एक की जिम्मेदारी है। तो चलो अभी क्लासरूम में चलते हैं, हमें बहुत काम करना है। वाह, ये क्लासरूम तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ऐसा हुआ सफाई अफसर चूचू की बदौलत मिस डोरोथी। इसने हमें एहसास कराया कि क्लासरूम को साफ रखना यहाँ हर एक की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे अफसर चूचू, अब तक की बेस्ट सफाई ऑफिसर, मुझसे भी कहीं बेस्ट। ओ कसली। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। मुझे कहना पड़ेगा हमारी टीम बहुत अच्छी है। चीका हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो जल्दबाजी में ब्रश करता, नहाता भी जल्दी से, कपड़े भी जल्दी जल्दी पहनता और जल्दी जल्दी खाना भी खाता। इसी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियां करता। चलो आओ चीकू, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। रुको चीका, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? और क्या तुमने दूध पी लिया? अपना काम तसल्ली के साथ किया करो ताकि एक ही बारी में काम ठीक से हो जाए। हाँ? एक दिन चीका की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम अगले हफ्ते एक टैलेंट शो करने वाले हैं। तुम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। तुम नाच सकते हो, गा सकते हो और कविता भी सुना सकते हो, या सबको ये भी दिखा सकते हो कि तुम कैसे जूडो कराटे करते हो। पर प्लीज उसका अभ्यास जरूर करना, ये देखने के लिए कि सब तैयार हैं। हम इस हफ्ते के अंत में पूर्वाभ्यास करेंगे। चीका बहुत जोश में था, वो कराटे सीख रहा था और सबको अपनी ये कला दिखाना चाहता था। पर हर बार की तरह उसने कुछ ही समय अभ्यास किया पूर्वाभ्यास से पहले। हैया, 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 हैया। चलो बहुत हो गया अभ्यास, मुझे पता है कि मैं रिहर्सल्स के वक्त अच्छा करूंगा। पर चीका की माँ को लगा कि उसे और अभ्यास की जरूरत है। इतना काफी नहीं है चीका,
तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही तैयारी का सही तरीका है और अपने दावपेच याद रखने का भी। ओ माँ, अभी नहीं, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। चीका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसने खूब अभ्यास कर लिया है। पूर्वाभ्यास वाले दिन सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी कलाएं पेश की। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। अगली बारी चीका की थी, पर जैसे ही वो मंच पर गया उसे लगा कि वो अपने सारे पैतरे भूल गया है। अपने दाव पेच भूल गया। चीका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कोने में अकेला जाकर बैठ गया। मुझे अपने दाव पेच याद क्यों नहीं रहे? मिस डॉर्थी की नजर चीका पर पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गईं। चीका, मुझे नहीं लगता तुमने अच्छे से अभ्यास किया था। चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम अभ्यास न करो तो, पर अगर तुम अभ्यास करते हो तो न केवल तुम्हें अपने पैतरे याद रहते बल्कि तुम जो भी करोगे उसमें अव्वल रहोगे। क्या ये बात सही है मिस डॉरथी? हाँ चीका, अब सुनो, अभी भी टैलेंट शो होने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तुम समय निकाल कर रोज अभ्यास करोगे तो शो वाले दिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है मिस डॉरथी, मैं करूँगा। चीका ने टैलेंट शो के आने वाले दिन तक हर दिन अभ्यास किया। वो अपना अभ्यास लगातार करता रहा, निर्लक्ष्य से भटके। चीका, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं चीकू, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जल्द ही टैलेंट शो का दिन आ गया। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। जब चीका की बारी आई वो मंच पर गया। और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी ने चीका का प्रदर्शन पसंद किया और चीका ने इनाम भी जीता। ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था चीका, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद से चीका हमेशा अभ्यास करता और वो निश्चित करता कि इस बात के लिए हमेशा समय निकाले और ये कि उसका ध्यान न भटके। इसी वजह से वो जो भी करता उसमें अव्वल रहता। हैया, 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 हैया। कसली को बढ़िया चीजें अच्छी लगती थी। अगर उसे अपने दोस्त की कोई चीज अच्छी लग जाती वो हमेशा उनसे मांग लेता। सुनो चाचा, मुझे तुम्हारी पेंसिल अच्छी लगी, क्या तुम ये मुझे दे दोगे? मुझे माफ करना कसली, पर ये मेरी पसंदीदा पेंसिल है। अगर कसली के दोस्त उसे वो चीज नहीं देते जो उसे चाहिए होती थी तो वो उनके साथ कुछ बुरा कर देता। और चुपचाप उन चीजों को ले ही लेता। आहा!
मिस डॉर्थी ने कस्ली के इस बुरी आदत पर गौर किया। उन्होंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर कस्ली ने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। बेटा, इस तरह अपने दोस्तों की चीजें लेना अच्छी आदत नहीं है कस्ली। पर मैंने तो कुछ भी नहीं लिया मिस डॉर्थी। एक दिन कस्ली एक नया पेंसिल शार्पनर लेकर स्कूल आया। वो उसे डेस्क पर छोड़कर बाहर खेलने चला गया। चाचा कस्ली को एक सबक सिखाना चाहता था। जब कस्ली वापस आया, उसका पेंसिल शार्पनर उसे वहाँ नहीं मिला। मेरा पेंसिल शार्पनर यहाँ नहीं है, जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। चाचा और बाकी बच्चे जब खेलकर वापस क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि कस्ली परेशान था। क्या बात है कस्ली? मेरा नया पेंसिल शार्पनर खो गया है, किसी ने उसे चुरा लिया है। फिक्र मत करो कस्ली, हम में से कोई भी नहीं चुराता, तो तुम्हारा पेंसिल शार्पनर शायद यहीं कहीं होगा। फिर सभी बच्चों ने मिलकर कस्ली के पेंसिल शार्पनर को पूरी क्लास में सब जगह ढूंढा। आखिरकार चाचा को वो एक मेज के नीचे मिला। तुम्हारा पेंसिल शार्पनर यहाँ है कस्ली। ये जरूर डेस्क से नीचे गिर गया होगा, और शायद यही मेरी पसंदीदा पेंसिल के साथ भी हुआ होगा। कस्ली अपने पेंसिल शार्पनर को वापस पाकर बहुत खुश था, पर उसे इस बात का दुख था कि उसने अपने दोस्तों की चीजें चुराई। जो उसने किया वो बहुत गलत था। आखिरकार उसके सभी दोस्त उसके लिए बहुत अच्छे थे। अगले दिन कस्ली ने वो सारी चीजें लौटा दी जो उसने चुराई थी। मुझे माफ करना चाचा, मैंने तुम्हारी पेंसिल ली थी। ओह, मेरी पसंदीदा पेंसिल तुम्हारे पास थी कस्ली। कस्ली ने ये महसूस किया कि सबके लिए उनकी चीजें कितनी खास होती हैं, और इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं चुराया। चूचू एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी, पर कभी कभी वो बहुत लापरवाह हो जाती थी, खासकर तब जब बात हो सफाई की और चीजों को ठीक तरह से रखने की। मैं क्रेयॉन्स बाद में उठा लूंगी। एक सुबह चूचू ने अपने खिलौने लिविंग रूम के फ्लोर पर छोड़ दिए थे। उसने अपनी साइकिल भी कमरे के बीचों बीच छोड़ दी थी और अपनी पसंदीदा कहानी की किताब पढ़ने लगी। एक बार की बात है, जब चूचू पढ़ रही थी तब छोटा बच्चा टाकू घुटनों पर चलता हुआ वहाँ आ गया। पर लिविंग रूम का तो बुरा हाल था, और बेबी टाकू साइकिल से टकरा गया और उसे चोट लग गई। चूचू के दादाजी भाग कर वहाँ आए ये देखने के लिए कि बेबी टाकू क्यों रो रहा था, पर तभी उनका पैर एक स्केट पर पड़ा और वो गिरते गिरते बच गए। हाँ? बस तभी फोन भी बजने लगा। चूचू की माँ वहाँ फोन उठाने आई, पर उनका पैर भी टॉय कार पर पड़ा और वो गिरते गिरते बची। चूचू के पापा भी लिविंग रूम में आए, और जब उन्होंने कमरे का हाल देखा तो वो दंग रह गए। चूचू, तुम्हारे खिलौने सब जगह बिखरे हुए हैं, तुमने कितना सामान फैला रखा है, प्लीज साफ करो, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो हम सेफ्टी रूल्स के नियम के बारे में जानेंगे। चूचू ने इधर उधर देखा और सोचा कि लिविंग रूम कितना गंदा हो रहा था।
उसके खिलौने सब जगह फैले हुए थे। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं बस अभी साफ कर देती हूँ। और मुझे पता है कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। मिस डॉर्थी ने हमें उनके बारे में बताया है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें उनका पालन करना चाहिए जब भी हम घर पर, स्कूल में या सड़क पर होते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी रूल्स की। ये वो बातें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए जब आप घर में, स्कूल में और सड़क पर हो। चलो सबसे पहले क्या करना चाहिए सेफ्टी रूल्स में ये जानते हैं। चलो सब मेरे पीछे पीछे बोलो, हमें अपनी आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए। हर चीज को इस्तेमाल करने के बाद उसको उसकी जगह पर वापस रखना चाहिए। हर चीज को इस्तेमाल करने के बाद उसको उसकी जगह पर वापस रखना चाहिए। नल का इस्तेमाल करने के बाद उसे कसकर बंद कर देना चाहिए। नल का इस्तेमाल करने के बाद उसे कसकर बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, चलो अब क्या नहीं करना चाहिए वो जानते हैं। चलो सब मेरे बात दोहराओ। कूड़े को सड़क पर या जमीन पर कभी नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को सड़क पर या जमीन पर कभी नहीं फेंकना चाहिए। बिजली के स्विचेस को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। बिजली के स्विचेस को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। पानी या किसी भी चीज को जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए। पानी या किसी भी चीज को जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए। हाँ चूचू, यही सब तो हैं सेफ्टी रूल्स। मुझे खुशी है कि मिस डॉरथी ने तुम्हें इन सब बातों के बारे में बताया है, पर तुम्हें इनका पालन भी करना चाहिए ताकि तुम और तुम्हारे आसपास सभी सुरक्षित रह सकें। मैं सेफ्टी रूल्स का पालन करूंगी पापा, और मैंने जो सब फैला रखा है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अभी साफ कर देती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ साफ सुथरा रखूंगी ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। चूचू ने अपना वादा निभाया और घर को साफ कर दिया। उसने सारे सामान वापस उनकी जगह पर रख दिए और ये ध्यान रखा कि उसका घर उसके परिवार के लिए सुरक्षित रहे। उस दिन के बाद से चूचू ने अपना सामान बहुत सफाई से रखा और हमेशा सेफ्टी रूल्स का पालन किया। एक दिन स्कूल में खेलते समय चाचा गिर गया और उसे चोट लग गई। क्योंकि उसे चोट लग गई थी इसलिए चाचा को बैठना पड़ा जब उसके और दोस्त उसके कुछ पसंदीदा खेल खेल रहे थे। ये देखकर वो बहुत उदास हो गया। चाचा तब भी उदास था जब उसकी घर जाने की बारी आई और वो चुपचाप अकेला ही बैठा रहा। चूचू, चीका और चीकू ने चाचा को खुश करने की कोशिश की। तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलते चाचा? हम एक नया खेल खेलने जा रहे हैं। तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। चाचा की माँ ने भी उसे कहा कि वो जाकर और बच्चों के साथ खेले। चाचा, तुम क्यों नहीं जाते चूचू, चीका और चीकू के साथ? तुम्हें मजा आएगा और फिर आज जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओगे।
पर चाचा अब भी परेशान था। नहीं धन्यवाद, मैं आज किसी के साथ भी खेलना नहीं चाहता। और बस तभी छोटा बच्चा उठ गया और पूरे घर में घूमने लगा। बच्चे ने चाचा को देखा और पाया कि वो बहुत परेशान था। बच्चे ने अपने कुछ पसंदीदा खिलौने लाकर चाचा को दे दिए। वो चाहता था कि चाचा उनके साथ खेले और खुश हो जाए, पर चाचा को बच्चे के खिलौने नहीं चाहिए थे। नहीं। बच्चे ने चाचा को खींचने की कोशिश की ताकि वो खड़ा होकर खेले, पर चाचा ने खड़े होने से मना कर दिया। नहीं। बच्चे ने बहुत प्यार से चाचा को देखा और फिर मुस्कुराया। बच्चे की मासूम सी मुस्कुराहट को देखकर चाचा भी मुस्कुराया और चाचा की परेशानी दूर हो गई और वो खड़ा हो गया। बेबी तुम बहुत प्यारे हो, तुमने मुझे भी खुश कर दिया अपने प्यार और मुस्कुराहट से। आई लव यू। और तो और बच्चे ने चाचा को एक पप्पी भी दी। चाचा इतना खुश हो गया कि वो हंसने लगा। शुक्रिया बीबी। फिर उठकर चाचा चूचू चीका और चीकू के साथ खेलने चला गया। मेरे लिए रुको दोस्तों, मैं भी आया खेलने। सभी लोग चाचा को दोबारा मुस्कुराता देखकर खुश हो गए। वो सब इतने हैरान थे कि छोटे से बच्चे ने चाचा को अपने प्यार से खुश कर दिया। अच्छा चलो अब मिलकर गए। हम सब जा रहे हैं स्कूल। स्कूल है कूल, स्कूल है कूल। हम सब सीखेंगे और खेलेंगे, सारा दिन हम मौज करेंगे। चीका तुम वहाँ पीछे अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? आओ हमारे साथ बैठो, हम राइम्स बना रहे हैं और गा रहे हैं। मैं स्कूल पहुंचने से पहले इस मजेदार किताब को खत्म करना चाहता हूँ, बस कुछ ही पन्ने बचे हैं। क्या ये वही कैप्टन जीटी वाली किताब है चीका? हाँ ये वही है, मेरा मनपसंद सुपर हीरो। और अभी तो कैप्टन जीटी पर बदमाश रोबोट्स हमला कर रहे हैं। मुझे जल्दी से जानना है कि अंत में क्या होगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी किताब को पढ़ते रहो। चलो चलो हम बनाते हैं एक गाना और मिलकर गाते हैं वो गाना। चलो चीका स्कूल आ गया है। हाँ मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही पन्ने बचे हैं, तुम लोग आगे बढ़ो। क्लास के लिए देर मत करना, मिस डॉर्थी ने कहा था ना कि हमें हमेशा वक्त पर पहुँचना चाहिए, याद है? हमारा देर से पहुँचना उन्हें पसंद नहीं। हाँ हाँ जानता हूँ, समय पर पहुँच जाऊँगा। चलो शाबाश मिस्टर जीडी, अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। हाँ ये हुई ना बात। वुहू, कहानी खत्म, कैप्टन जीडी ने सबको बचा लिया। हाँ
यहाँ सिर्फ मैं ही बचा हूँ, सब चले गए। अरे ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं है, सब अपने अपने क्लासरूम्स में होंगे, मुझे देर हो गई। गुड मॉर्निंग मिस डोरोथी। हाय चीका, मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ रह गए, तुम तो क्लास में कभी भी देर से नहीं आते, क्या हुआ था चीका? डोरोथी, कुछ हो गया था, कुछ बहुत ही बुरा हो गया था। तुम ठीक हो ना चीका? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। हाँ मैं ठीक हूँ मिस डोरोथी, पर वो जो दूसरा बच्चा है ना, वो ठीक नहीं है। कौन सा दूसरा बच्चा? मिस डोरोथी, क्लास की तरफ आते हुए मैंने एक बच्चे को देखा जो कि झूले से गिर गया था। बुरा हुआ, उसे चोट लगी थी? हाँ लगी थी, यहाँ और यहाँ, और खून भी निकल रहा था। अच्छा, क्या अब वो ठीक है? हाँ मिस डोरोथी, अब वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसकी मदद की, उसे नर्स के पास ले गया, उन्होंने सफाई करके उसे पट्टी भी लगा दी। मिस डोरोथी, वो बहुत घबरा गया था और रोने भी लगा था जब नर्स उसकी पट्टी कर रही थी, वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था मिस डोरोथी, उसने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था इस तरह से। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था मिस डोरोथी, उसके शांत होने तक मैं उसी के साथ रहा, इसलिए मुझे क्लास में देर हो गई मिस डोरोथी, माफ कर दीजिए। ओ चीका, देर से आने के लिए माफी मत मांगो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो हीरो हो, मुझे तुम पर बहुत नाज है। हम सबको तुम पर नाज है चीका। तो फिर क्यों ना चीका के रहमदिली भरे काम के लिए तालियां हो जाएं? बहुत ही अच्छे चीका, तो अब हम आते हैं आज के लेसन पर। चलो जाओ बच्चों, बाहर जाओ और खेलो और अपने नाश्ते का आनंद लो। आपका शुक्रिया मिस डोरोथी। आज चीका पर मुझे बड़ा नाज हुआ मिस्टर हार्लो। बताइए मुझे मिस डोरोथी, उसने क्या किया? उसने एक बच्चे को देखा जिसे झूले से गिरने की वजह से चोट लग गई थी। चीका जानता था उसे क्लास के लिए देर होगी, फिर भी वो वहाँ रुका और उस बच्चे की मदद की। ये तो एक रहम दिली और इज्जत बढ़ाने वाली बात है। वाओ। हाँ है ना? और फिर चीका उसे नर्स के पास ले गया, जब उस बच्चे की पट्टी हो रही थी तो वो घबरा गया और फिर जोर से रोने लगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि आगे चीका ने क्या किया, वो उस बच्चे के साथ उसके बगल में खड़ा रहा जब तक वो शांत नहीं हो गया। कमाल की बात है, अगर कोई और होता तो वो क्लास में देरी की वजह से बच्चे को वहीं छोड़ जाता, पर चीका ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। जी बेशक मिस्टर हार्लो। आप जानती हैं मैं क्या सोच रहा हूँ मिस डोरोथी, क्यों ना चीका को उसकी नेकी और रहमदिली के लिए इनाम दिया जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर हार्लो। हाँ ऐसा ही करते हैं।
क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। मिस डोरोथी को मुझ पर बहुत भरोसा है। मैंने उनसे झूठ बोला। वो मुझे उसके लिए इनाम दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। मुझे बुरा लग रहा है। तो तुमने उनके सामने झूठ बोला ही क्यों था? वो मैं डर गया था। मुझे लगा क्लास में देर से पहुंचने पर मिस डोरोथी नाराज हो जाएंगी। पर अब तुम जानते हो कि तुमने ये झूठ बोलकर गलत किया है, तो क्या लगता है तुम्हें आगे क्या करना चाहिए? मुझे मिस डोरोथी को सच्चाई बताने की जरूरत है, भले ही वो मुझ पर नाराज क्यों ना हो। अच्छा ख्याल है चीका। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। मिस डोरोथी, मिस्टर हार्लो, मुझे आपको कुछ बताना है। आ जाओ चीका, हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी रहम दिली के बारे में मिस्टर हार्लो को बता रही थी। वो सब झूठ था मिस डोरोथी। ओह, मुझे बहुत शर्म आ रही है मिस डोरोथी। बच्चा झूले से गिरा, उसे चोट लगी और मैंने मदद की। ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस डोरोथी। असल में मैं स्कूल बस में एक बहुत ही मजेदार किताब पढ़ रहा था और मैं उसे खत्म करना चाहता था, तो मैंने स्कूल बेल को अनसुना कर दिया और इसलिए मैं क्लास में देर से पहुंचा। और जब आपने देर से आने की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोला और बोलता ही चला गया। आपको मुझ पर कितना भरोसा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपसे झूठ बोलकर। मुझे माफ कर दीजिए मिस डोरोथी। ओह चीका, मेरे प्यारे नन्हे बच्चे, आप मुझसे नाराज नहीं है मिस डोरोथी? बिल्कुल नहीं चीका, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे तुम पर नाज है कि तुमने हिम्मत दिखाई और सच्चाई बताने मेरे पास आए। हाँ चीका, हम कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तुमने जो झूठ मिस डोरोथी से बोला, उसे तुमने बहुत ईमानदारी से बताया। बहुत खूब चीका। मुझे अब अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। मिस डोरोथी, मिस्टर हार्लो, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और कोशिश करूंगा एक अच्छा और ईमानदार बच्चा बनूं। मैंने आपसे कहा था ना मिस डोरोथी, हमारा चीका एक नेक, सच्चा और इज्जतदार बच्चा है। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं, और फिर वो अपनी माँ को उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है, प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी।
चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी? वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये बहुत पुरानी लग रही है, आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है, ये मेरी पसंदीदा है, ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारी पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे, और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। लाल। हाँ, मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे, और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना, और अब इसे कभी भी मत फेंकना। ओ, नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए, और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई, और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है, ये मुझे हमेशा गर्म रखती है। हाय, मैं हूँ चूचू, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड चीकू यहाँ खेलने आ रही है, और उसने बताया कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। आपको सरप्राइजेस पसंद है? मुझे तो है, तो मेरे साथ ही रहिए और जानिए कि वो सरप्राइज क्या है। आइए। चूचू, मैं आ गई। देखो मेरे पास क्या है। हाय बेस्ट फ्रेंड चूचू। हाय बेस्ट फ्रेंड चीकू, कहाँ है वो कहाँ है? मेरा सरप्राइज कहाँ है? तो
तुम्हारे सर पर। चीकू, मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। पहन कर देखो चूचू। वाह! सच, ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये तोहफा मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। एक बात बताऊं चीकू, मैं अपनी इस ब्रेसलेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसे कभी नहीं खोऊंगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है चूचू। ना बाबल्स, देखो बाबल्स हमें बता रहा है कि वो ब्रेसलेट का अच्छे से ख्याल रखेगा। अच्छी बात है बाबल्स, तो हम सब जा रहे हैं रसोई में नाश्ता करने। तुम ब्रेसलेट का ध्यान रखोगे ना? शुक्रिया बबल्स। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ नाश्ता करना है तो तुम्हें याद रहेगा ना कि इसे हिफाजत से टेबल पर रखना है। शुक्रिया बबल्स। बाबस, नाश्ता कर लो। बाबल्स, तुम्हें भूख लगी है? क्या हुआ? क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? हाँ,
हे, बस भी करो बबल्स, मुझे ये गेम पसंद नहीं है। शांत हो जाओ बबल्स। हाँ? देखो तुमने ये क्या कर दिया। बस अब बहुत हुआ बबल्स, जब तक तुम शांत नहीं होते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। आ जाओ, हम चलकर मेरे कमरे में ब्रेसलेट को फिर से ढूंढते हैं। हाँ? वो ब्रेसलेट यहाँ नहीं है। मैंने बबल्स को यहीं रखने को कहा था। उसे जरूर यहीं होना चाहिए। चलो मिलकर ढूंढते हैं। नहीं मिली। बबल्स ने जरूर उसे खो दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आ जाओ, इस बारे में उससे बात करते हैं। बबल्स, आज तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरी नई ब्रेसलेट को खो दिया है। बबल्स ने आज से पहले कभी ऐसा अजीब बर्ताव नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये हमें कुछ बताना चाहता है? सही कहा, लगता है ये हमें पीछे आने को कह रहा है। तो ब्रेसलेट यहाँ पर पहुँच गई है। जरूर ये चिड़िया खिड़की से अंदर गई होगी और इसे उठा लाई होगी। और यही बात बेचारा बबल्स हमें तब से बताने की कोशिश कर रहा था और हम सब उस पर नाराज हो रहे थे। माफ कर दो बबल्स, सच में सॉरी। हाय बर्डी, तुम्हें चमकीली चीजें पसंद है ना? इसलिए हम तुम्हारे घोंसले के लिए ये लाए हैं। शुक्रिया बर्डी, इसे हमें वापस देने के लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया बबल्स, अगर तुम आज नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि ब्रेसलेट कहाँ गया। तुम बहुत होशियार हो दोस्त। और हमारे हीरो भी। कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स भाव भाव, हमारी और चीजों की हिफाजत करता है भाव भाव। कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स भाव भाव, ये है प्यारा डॉगी और हमारा दोस्त।